मेवाड़ में भाजपा की कद्दावर नेता और राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। एक माह से किरण माहेश्वरी मेदांता अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी। उनके निधन से पूरी भाजपा ही नहीं अपितु मेवाड़ में शोक की लहर छा गई है। माहेश्वरी की पार्थिव देह शाम तक उदयपुर पहुँचेगी। कोरोना प्रोटोकॉल से उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। शहर विधायक और पूर्व गृह मंत्री समेत तमाम नेता किरण माहेश्वरी के निधन से आहत हुए हैं। कटारिया भले ही किरण के राजनीतिक प्रतिद्वंदी गिने जाते हैं, लेकिन किरण के निधन को उन्होंने इसे पार्टी के साथ व्यक्तिगत सहयोगी की क्षति बताया। कटारिया ने कहा कि किरण माहेश्वरी ने पार्षद से राजनीति का सफर शुरू कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। एक परिश्रमी जुनूनी नेता का चला जाना बेहद दुखद क्षण है। किरण माहेश्वरी भाजपा की ओर से नगर परिषद की सभापति रही। वह सांसद, राजस्थान सरकार में मंत्री, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा और प्रदेश अध्यक्षा रही। पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा और अनेक दायित्वों के साथ वर्तमान में राजसमंद की विधायक थी। अपने व्यवहार कुशलता से वह एक जन नेता थी। किरण ने निधन की खबर जिसने भी सुनी वह सन्न रह गया। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उनका अंतिम संस्कार उदयपुर में किया जाएगा। किरण माहेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का, जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही बैंक की, नगर पालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही, प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा रही, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रही, और वास्तव में उसने अपनी कार्यकुशलता के कारण से भारतीय जनता पार्टी को महिला विंग में एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करने में सफल हुई। और उसका इस समय जाना पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ, और साथ ही विशेष रूप से मुझे, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूं और उनको जब से मैंने पार्षद का चुनाव लड़ाया तब से लेकर के आज तक, उस महिला ने जिस प्रकार से परिश्रम किया और जिस प्रकार से संगठन खड़ा किया, मेरे साथ मंत्रिमंडल में भी सदस्य रही और एक तरह से मेरे साथ एक लंबे समय से काम करने वाली मेरी एक सहयोगी बहन का चला जाना भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ही आघात पहुँचा है, और मुझे तो विशेष रूप से, क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक उनके साथ काम किया, उनका अभाव हम सबको बहुत खलेगा। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको अपने चरणों में स्थान दें और उसके जो काम अधूरे रहे हैं वो हम सब लोग मिलकर के पूरा कर सकें, मेरी उनको श्रद्धा सुमन। किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह को लेकर परिजन उदयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। एम्बुलेंस से पार्थिव देह को लाया जा रहा है। सुभाष चौराहा स्थित निवास से सुबह 10 बजे किरण की अंतिम यात्रा निकलेगी। सुबह 8 से 9:30 बजे तक पार्थिव देह दर्शनार्थ रखा जाएगा। रानी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा।